मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अटके हुए प्रोजेक्ट का शहर बनकर रह गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं उसकी दास्तान सुनने के लिए शहर के ठीक बीच में चल रहे दो बड़े प्रोजेक्ट्स ही काफ़ी हैं। एक है मेट्रो प्रोजेक्ट तो दूसरा है डीडी फ्लाईओवर। ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट अपने समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। जनता परेशान तो है ही, सरकार की जेब से भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गए हैं। हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने दोनों प्रोजेक्ट का करीब से जायजा लिया और देखा कि ये प्रोजेक्ट ठहरे और अटके क्यों हैं। भोपाल में कब दौड़ेगी मेट्रो? जनता को जीजी फ्लाईओवर का इंतजार? दो प्रोजेक्ट्स कम कर रहे प्रदेश की रफ्तार। राजधानी भोपाल को रफ्तार देने वाले दो प्रोजेक्ट भोपाल मेट्रो और जीजी फ्लाईओवर का इंतजार जनता साल 2020 से कर रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी डेडलाइन पर डेडलाइन क्रॉस कर जनता का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल को रफ्तार देने वाले दो प्रोजेक्ट, एक मेट्रो और दूसरा जीजी फ्लाईओवर, ये एक मेरे दाएं तरफ है, दूसरा मेरे बाएं तरफ है। तय किया गया था कि ये रफ्तार भी देंगे, लोगों को सुविधा भी देंगे, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। कारण, इनकी रफ्तार जो है खुद ही सुस्त है, ये समय पर पूरे हो ही नहीं पा रहे। लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन ये दोनों ही प्रोजेक्ट लोगों की आशा का किरण बने हुए हैं और ये कब पूरे होंगे, हर किसी की जबान पर यही सवाल है। सालों जर्जर सड़क पर गुजरते धूल फांकते हुए निकल गए, लेकिन ना तो मेट्रो दौड़ती दिखाई दी और ना ही जीजी फ्लाईओवर से उनकी राह आसान हुई। यही वजह है कि खुद मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने 23 जून को खुद जीजी ब्रिज और अफसरों के कागजी दावों की जमीनी हकीकत जानी। सर, आपने निरीक्षण किया, कई समस्याएं आपके सामने रखी, एक पूरी भुजा जो अभी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है और सितंबर तक पूरी होगी लगता नहीं है, आपको क्या लगता है? कोई भी कार्य करने के पहले एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आधार पर समय सीमा तय होती है। लोक निर्माण विभाग की जो अपनी समय सीमा थी वो अपनी प्लानिंग के आधार पर थी, लेकिन जब उसमें बाकी के विभाग भी जुड़ जाते हैं, नगर निगम भी है या मेट्रो भी है, तो सारी कठिनाइयाँ मिलकर सबकी कठिनाइयाँ बन जाती हैं। उसके लिए मेट्रो वालों से भी बातचीत हुई, उनके अधिकारियों से भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई है। ये तय हुआ है कि लगभग 20 सितंबर तक वो अपना काम पूरा कर देंगे। दरअसल गणेश मंदिर से भोपाल हाट और एमपी नगर जोन 1 तक बनाए जा रहे जीजी फ्लाईओवर को अगर नई डेडलाइन 30 सितंबर 2024 तक पूरा करना है तो चार एजेंसियों में समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। नगर निगम, जिला प्रशासन, तो लोक निर्माण विभाग और मेट्रो प्रोजेक्ट को आपस में तालमेल बैठा कर चलना पड़ेगा, तभी फ्लाईओवर का काम पूरा हो सकेगा। गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर के बीच 148 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जीजी फ्लाईओवर में मेट्रो, नगर निगम और जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यों में समन्वय न होने के कारण देरी हुई है। 148 करोड़ रुपए की लागत में इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण सितंबर 2020 में ही शुरू हो गया था। दावा किया गया था कि अगस्त 2022 में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है वो जानिए, प्रोजेक्ट 22 महीने लेट हो चुका है। भोपाल मेट्रो की अगर बात करें तो राजधानी में ऑरेंज लाइन एम्स से सुभाष नगर, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा जाता है, यहाँ से मौके की तस्वीर तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है। मेरी दाई ओर साकेत नगर है तो मेरी बाई ओर एम्स, यहाँ शुरुआती बिंदु है मेट्रो का और इसको प्रायोरिटी रूट, प्रायोरिटी कॉरिडोर माना गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे, इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का जो यह हिस्सा है वो किसी की प्राथमिकता में अभी तक तो नहीं है। जब प्राथमिकता वाला हिस्सा ही प्राथमिकता में नहीं है तो समझा जा सकता है कि मेट्रो की रफ्तार यानी मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार कितनी तेज होगी। भोपाल मेट्रो का काम 6961 करोड़ रुपए की लागत में शुरू हुआ। अप्रैल 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। दावा किया गया था कि जून 2024 में कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा, लेकिन हकीकत सुनिए, डेडलाइन गुजर चुकी है और इस साल के अंत में भी मेट्रो दौड़ेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। विस्तार न्यूज की टीम ने पड़ताल के दरमियान पाया कि प्रायोरिटी रूट के लिए भले ही दावे किए जा रहे हों कि इस साल के अंत तक मेट्रो दौड़ने लगेगी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। इधर पुल बोगदा से करोन के बीच की बात करना भी बेमानी है।
क्योंकि यहां तो अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसे में मेट्रो का इस साल भोपाल की जनता को दीदार होगा, ये कहना मुश्किल ही है। विस्तार न्यूज के लिए श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। वैसे विधानसभा चुनाव के पहले जिस अंदाज में मेट्रो का सीमित ट्रैक पर ट्रायल रन किया गया था, उससे उम्मीद जगी थी कि इलेक्शन के बाद भोपाल की जनता वातानुकूलित मेट्रो में बैठेगी। मगर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी गुजर गए और आने वाले महीनों में कुछ उपचुनाव भी गुजर जाएंगे, उसके बाद भी मेट्रो चलती नहीं दिख रही। वैसे भोपाल के जैसे ही मेट्रो इंदौर में भी अटकी पड़ी है, जिसकी कहानी कल आपको हम इसी बुलेटिन में दिखाएंगे।